ऑस्टेड ने ये फाइंड कर लिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। किसी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट चल रही है तो ये वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर देता है। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है उसके लिए राइट हैंड थंब रूल फाइंड हुआ या मैक्सवेल स्क्रू रूल जो हमने कल पढ़ा था या राइट हैंड पाम रूल। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड है ऑस्टेड ने बता दिया। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, राइट हैंड थंब रूल, पाम रूल या स्क्रू रूल। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड है कितना, मैग्नीट्यूड कितना है इसका, इसे बताया बायो एंड सेवर्ट। दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर क्या बताया उन्होंने कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर का पूरी लेंथ नहीं, एक छोटी सी लेंथ आपने कंसीडर की, एक छोटी सी लेंथ कितनी डीएल, वही डीएल लिमिट डीएल टेंड्स टू जीरो, इस पूरे कंडक्टर की एक छोटी सी लेंथ आपने कंसीडर की और एक पॉइंट है पी जो इस छोटे से सेगमेंट से आर डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, और इस तरह है कि डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ करंट एलिमेंट इनके बीच का एंगल है थीटा। ये जो छोटा सा हमने एलिमेंट कंसीडर कर लिया इसे हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट। तो बायो और सेवर्ट ने बात ये बताई कि यहाँ पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस पूरे कंडक्टर के कारण नहीं, ड्यू टू ओनली ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस कंडक्टर। उन्होंने कहा सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड एट पी, एट पी मैग्नेटिक फील्ड बी इज नंबर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, यानी कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। छोटा सा, छोटे से पार्ट के कारण आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कम आएगा, थोड़े बड़े पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा पी। ठीक है, सेकंड क्या हुआ, सेकंड आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द एलिमेंट, यानी कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर हल्की सी करंट फ्लो कर रही है इसमें तो वीक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, जितनी करंट स्ट्रॉन्ग कर दोगे, जितनी बड़ी करंट आप फ्लो कराओगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा पॉइंट पी पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, करेक्ट। साथ में एक और कहा, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल। किस एंगल का साइन, बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, यानी कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइन थीटा। थीटा क्या है, करंट एलिमेंट और उस लाइन के बीच का एंगल है जो लाइन करंट एलिमेंट को पॉइंट पी से जोड़ती है। और लास्ट वाला क्या बात देखी इन्होंने, लास्ट में बात देखी क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया उन्होंने,
इसमें करंट वरंट बदली, यहाँ देखते रहे मैग्नेटिक फील्ड कितना है कितना नहीं। चार बातें सामने आई कि अगर छोटा सा एलिमेंट है तो हल्का वीक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, बड़ा एलिमेंट है, बड़ा है कंडक्टर तो ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, साथ में साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सारी बातें एक साथ मिला दी गई, सारी बातें मिला के एक साथ लिख दीजिए आप तो क्या निकल कर आएगा, आपका आंसर बनेगा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए आपने कांस्टेंट दिया, कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली फाइंड होता है, थ्योरेटिकली हम कभी पता नहीं लगा सकते, और यहाँ कांस्टेंट आया म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये म्यू नॉट अपॉन फोर पाई अपने आप में एक कांस्टेंट है जो कि दो कांस्टेंट से मिलकर के बना हुआ, एक म्यू नॉट कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट पाई। पाई आप जानते हैं क्या है। अब ये म्यू नॉट क्या चीज आई, म्यू नॉट आता है, म्यू नॉट लिखा जाता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी था एप्साइलन नॉट, इसे हम मैग्नेटिक परमिटिविटी नहीं बोलते, परमिएबिलिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर फ्री स्पेस नहीं है, कोई मीडियम है, तो म्यू नॉट की जगह हम लिखेंगे म्यू, म्यू लिखेंगे, वहां हो जाएगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये बायो सेवर्ट लॉ आपका, ये पूरा फॉर्मूला कहलाता है बायो सेवर्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, और आज तक भी यही बेसिक है किसी भी तरह का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। क्लियर हो आप बात, लिख लेते हैं इसे सबको। हेडिंग आपने क्या डाली है, हेडिंग आपने डाला है बायो सेवर्ट लॉ, एस ए वी ए आर टी, बी आई ओ टी, टी साइलेंट है इनके नाम में, बी आई ओ टी, बायोट, बायोट सेवर्ट, एस ए वी ए आर टी, सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ। इट स्टेट दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इट स्टेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर एट ए पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट, राइट। नीचे लिख लीजिए इसके बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी एल, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी एल। ठीक है, इसे नंबर वन पॉइंट बना दीजिए आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। नंबर टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। थर्ड पॉइंट क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट
एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पहले वाले में लिख लिया आपने, इससे ऊपर वाले में बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, हाँ। फोर्थ लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट, बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट। बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, उसके बाद ये लिख लीजिए दो लाइनें, कौन सी दो लाइन, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बी इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। Where mu naught is, where mu naught is magnetic permeability, PERMEABILITY, magnetic permeability of free space, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अगली लाइन एक और लिख लीजिए, इन अ मीडियम बी इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन म्यू अपॉन फोर पाई बी इक्वल्स म्यू अपॉन फोर पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में म्यू नॉट की जगह आ जाएगा म्यू, B equals mu upon 4 pi ideal sin theta upon r square, where mu is the magnetic permeability of the medium, where mu is the magnetic permeability of the medium।